بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وعلماء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تكريم بزرگان دین، معزز مکرم دینی ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے خود کن تم خیر امہ ارشاد فرمایا ہے، تم بہترین امت تھے، تم بہترین امت ہو اور تم بہترین امت رہو گے، تم بہترین امت تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں، تم بہترین امت تھے لوح محفوظ میں، تم بہترین امت تھے پچھلے نبیوں کی کتابوں اور صحیفوں میں، تم بہترین امت تھے پچھلی امتوں کے درمیان، تم بہترین امت ہو اپنے زمانے اور تم بہترین امت رہو گے میدان محشر میں قیامت کے دن. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نحن الآخرون السابقون، ہم آخر بھی ہیں اور اول بھی ہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے اول ہیں، سب سے سابق ہیں، سب پر سبقت لے جانے والے ہیں. تو اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا جسے رب تبارک و تعالی نے خود کن تم خیر امہ ارشاد فرمایا ہے. مشکاۃ شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کن تم خیر امہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انتم تتمون سبعین امہ، تم ستر امتوں کو مکمل کرنے والے. ستر کا لفظ عربی زبان میں تکفیر کے لیے، بہت زیادہ بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تم ستر امتوں کو، یعنی تم تمام امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، تمام امتوں، جتنی بھی امتیں تم سے پہلے آ چکی ہیں. تو جس طرح سے یہ نبی خاتم الانبیاء ہے، اسی طرح سے ایک امت تم خاتمت الامم ہو، تمام امتوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے.
तो रब तबारक व ताला ने हमें जिस उम्मत में पैदा फरमाया है, इस उम्मत के बारे में रब ने खैरा उम्मा फरमाया, और आका आगे इस आयत की तफसीर करते हुए फरमा रहे हैं कि तुम 70 उम्मतों को यानी के तमाम उम्मतों की तकमील करने वाले हो, लेकिन अंतुम अकरमुहा व खैरुहा अलल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक तमाम उम्मतों में सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और सबसे बेहतरीन, सबसे अफजल तरीन, सबसे मुशर्रफ, सबसे मुकर्रम वो तुम हो। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के मकाम और मर्तबे को जिक्र करते हुए यूं इरशाद फरमाया कि ऐसा समझो कि किसी इंसान ने कुछ मज़दूरों को सुबह से जोहर तक काम पर रखा, सुबह से लेकर जोहर तक, और ऐलान कर दिया कि भाई तुम्हारी जो मजदूरी रहेगी वो एक एक क़िरात, उस ज़माने में चलने वाला एक सिक्का हुआ करता, एक एक सिक्के पर तुम सुबह से लेकर जोहर तक काम करो। चुनांचे उन मज़दूरों ने काम किया और उन्हें एक एक सिक्का, एक एक क़िरात वो दे दिया गया। फिर ऐलान हुआ कि अब जोहर से लेकर असर तक कौन है जो काम करे एक एक सिक्के पर, एक एक क़िरात पर। तो फिर एक जमात ने काम किया, उन्हें असर तक काम करने की उजरत के तौर पर जो कुछ ऐलान किया गया था एक एक सिक्का वो दे दिया गया। आपने इरशाद फरमाया कि पहले नंबर पर काम करने वाले ऐसा समझो कि जैसे यहूद, दूसरे नंबर पर काम करने वाले ऐसा समझो जैसा कि ईसाई लोग हैं, नसारा, उन्होंने काम किया वक्त लंबा और उजरत एक एक रुपया। और फिर ऐलान हुआ कि भाई असर से लेकर मगरिब तक कौन है जो काम करेगा दो दो रुपयों पर, एक उजरत डबल, वक्त कम और उजरत डबल। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो तुम हो, यानी इस उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अल्फ अल्फ तहियतिन व सलाम, इसका मकाम मर्तबा रब तबारक व ताला के नज़दीक ये है कि इसको काम कम करना है और उजरत अजर व सवाब इसको डबल मिलना। चुनांचे उन्होंने इश्काल किया, एतराज़ किया कि क्या हमारा तो काम ज़्यादा और उजरत हमारी कम। रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया क्या मैंने किसी के हक में से कुछ कम किया, जितना वादा किया था उतना दिया, अब ये तो मेरा फ़ज़ल है, फ़इन्नहु फ़ज़ली उती मन अशा, मैं अपना फ़ज़ल एक्स्ट्रा अपना अजर व सवाब मैं जिसको चाहूँ उसको अता करूँ। तो बकिया उम्मतों के साथ तो गोया रब तबारक व ताला की जानिब से अदल का, इंसाफ का मामला हुआ, लेकिन इस उम्मत के साथ रब तबारक व ताला के अदल से बढ़कर फजल का मामला है। तो बहरहाल ये उम्मत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसमें मैं और आप हैं, और इस उम्मत का एक खुसूसी काम रब तबारक व ताला ने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कल्ब अतहर पर जो इल्हाम फरमाया है उस काम का नाम है दावत और तबलीग, जिस पर दुश्मनान इस्लाम एक दूसरे को इस तरह से दावत दे रहे हैं, जिस काम की रोकथाम के लिए दुश्मनान इस्लाम एक दूसरे को इस तरह से दावत दे रहे हैं जिस तरह से वह दस्तरखान सजा हुआ हो और अलग अलग कमरों में लोग हों, या कोई बाहर हो, कोई सहन में हो, कोई आंगन में हो, कोई बेडरूम में हो, और हर एक को दावत दी जा रही है कि आ जाओ दस्तरखान तैयार। यही तो बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तंजीमों से, तहरीकों से और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे को दावत देंगे तुम्हें चट कर जाने के लिए, तुम्हें खा जाने के लिए, उसी तरह से जिस तरह से खाना खाने वाली जमात एक दूसरे को दावत दे रही होती है कि आ जाओ दस्तरखान की जाए। इस
मुकद्दस मुबारक काम की कामयाबी को देखते हुए कुछ लोगों को हसद और जलन ऐसी होती है कि वो इस मुबारक और मुकद्दस काम को बंद करने के लिए जब उन्हें अपने यहाँ दाल गलती हुई नज़र नहीं आती है तो फिर वो दूसरी जगहों पर जहाँ ये समझ में आ रहा होता है कि शायद वो मरकज़ है और वो आलमी ऐलान की जगह है तो फिर वहाँ से ऐलानात करवाने की कोशिशें की जा रही होती हैं। यही तो इस काम के मुबारक और मुकद्दस होने की अलामत है। और ऐलानात कुछ इस तरह से किए और करवाए जा रहे हैं कि ये शिर्क की बिदआत की ज़लालत की दावत देने वाली जमात अल-इयाज़ बिल्लाह। रब तबारक व ताला ने ये काम उस शख्सियत के कल्ब अथर पर खोला है जिस शख्सियत की वालिदा माजिदा का मामूल मुबारक ये रहा कि वो कुरान करीम की हाफिजा शादी के बाद बनी। शादी हो जाने के बाद हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा शादी के बाद में हाफिज़े कुरान बनी और कुरान करीम इतना मजबूत था रमज़ानुल मुबारक का मामूल हजरत की वालिदा का ये जिक्र किया गया कि एक कुरान करीम रोज़ाना और मज़ीद 10 पारे रोज़ाना एक कुरान करीम और 10 पारे। इस तरह से रमज़ान मुबारक में 40 कुरान करीम मुकम्मल करने का हज़रत की वालिदा का मामूल मुबारक था। ये रमज़ान मुबारक की बात और रमज़ान के अलावा बकिया 11 महीनों में 5000 मरतबा इसमे ज़ात अल्लाह का जिक्र किया करती। 5000 मरतबा अल्लाह 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 रोज़ाना रोज़ाना 5000 मरतबा। अगर इतना भी था तो कम नहीं था। इसके साथ साथ आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से मोहब्बत देखिए कि अल्लाह के नाम का 5000 मरतबा विर्द करने के साथ साथ 5000 मरतबा डेली दुरूद पाक पढ़ा। डेली 5000 मरतबा इतना सब करने के साथ रोज़ाना 11 महीनों में रोज़ाना एक मंजिल कुरान करीम। आप जानते हैं कि 7 मंजिलें कुरान करीम में हैं यानी कि हफ्ते भर में कुरान करीम मुकम्मल तो एक मंजिल रोज़ाना की तिलावत। इन सब के साथ साथ 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार 200 मरतबा सुभान अल्लाह 200 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये सब 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन वगैरह औराद वज़ाइफ के भी तज़किरे मौजूद। अब सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे कर। खातून घर के अंदर रहते हुए तो उसके बारे में तहरीर किया गया है लिखा है किताबों में कि घर का कामकाज जो होता था तो अपने हाथ से वो कामकाज ही बराबर करती रहती और ज़ुबान वो कुरान करीम की तिलावत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद अल्लाह अल्लाह का विर्द इस्तिग़फ़ार और तीसरा कलमा और पहला कलमा वगैरह उन सब से रतबुल लिसान रहती। वो हैं हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा। और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस फिक्र को सवार फरमाया दरअसल हुआ यूँ था कि आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फिक्र अता फरमाई फिक्र गोया उस आयत शरीफा का अक्स अल्लाह ताला ने अता फरमाया था जिसको अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया फलअल्लक बाकिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। ए मेरे महबूब अगर वो इस कुरान पर और इस अल्लाह की तौहीद पर और आपकी पैगंबरी पर ईमान नहीं लाते तो ऐसा लगता है कि अफसोस के मारे आप अपनी जान दे देंगे। कुछ इस तरह का हाल अल्लाह ताला ने हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया था। हजरत जी
मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह सोते जागते रोया करते थे, तड़पा करते थे, बिलबिलाया करते थे कि किस तरह ये नाम के मुसलमान काम के मुसलमान बन जाए, किस तरह ये मस्जिदों से दूर लोग मस्जिदों तक आने वाले बन जाए। उसके लिए आपने इब्तिदा में मकातिब कायम फरमाए और आपने देखा कि कुछ मेवात के लोग वो मजदूरी के लिए दिल्ली आ रहे हैं, कहत साली की वजह से गल्ले नहीं उग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो वो मजदूरी के लिए एक आना मजदूरी हासिल करने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। पांच लोग थे इब्तिदा में सबसे पहले पहल, तो वो पांच लोगों को आपने कहा कि वो भाइयों कहाँ जा रहे हो, कुछ थोड़ा सा उनमें ये महसूस हुआ कि शायद इनमें कुछ इस्लाम हो सकता है, मुसलमान हो सकते हैं ये लोग, तो आपने उन लोगों से जब बातचीत की तो पता चला कि कहत साली की वजह से मजदूरी के लिए वो लोग आए हुए हैं। आपने फरमाया कि मेरा काम करोगे, मेरे यहाँ काम करोगे, मैं तुम्हें डबल मजदूरी दूंगा। आपने उनको कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम तैयार हैं। कहा सबसे पहले तो एक काम करो, अपने हाथ मुंह धो लो। उनको वुजू करवाया, वुजू करवाया, फिर जैसे जैसे नमाज का वक्त आया वैसे वैसे नमाज बा जमात आपने अदा फरमाई और दिन भर उनको लेकर बैठते रहे, यहाँ तक कि उनको सूरह फातिहा याद करवाई। ये थी पहली पहल मेहनत, और फिर वो मेहनत चंद दिनों तक चलती रही और दो दो आना खाना भी साथ में खिलाया जा रहा है, उनका इकराम भी किया जा रहा है, काम कुछ लिया नहीं जा रहा है। इस तरीके से चंद दिन जब तक जब वो रुके और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें घर भी जाना है, घर भी बच्चों को भी कुछ नफका खर्चा देना है, तो आपने फरमाया कि ठीक है चले जाओ। तो कहने लगे कि हमारे बीवी बच्चे हैं उनका क्या करें, तो फरमाया कि एक काम करना अब की बार में उनको भी लेते आ। चुनांचे फिर वो जब वो आए और मकतब का सिलसिला शुरू फरमाया और मकतब के सिलसिले के बाद में जब पहला हाफिज बना, आपने फिर वो मकतब का जो सिस्टम था वो दूसरों के हवाले कर दिया, और फिर जो पहला हाफिज बना तो उस मौके पर आपको दावत दी गई कि आप तशरीफ लाए तकमील हिफ्ज की मजलिस थे। चुनांचे हजरत जब तशरीफ ले गए तो देख कर दंग रह गए कि बच्चा पढ़ भी रहा है घर भी जा रहा है, पढ़ भी रहा है घर भी जा रहा है, हाफिज बन गया, लेकिन उसका हाल ये है, उसका हाल ये है कि मूछें बड़ी बड़ी हैं और दाढ़ी सपाट, मूछें बड़ी बड़ी और दाढ़ी सपाट है, और लुंगी तहबंद जो पहना है वो गैरों के तरीके पर पहना है। तो हजरत जी को उस पर और भी ज़्यादा अफसोस हुआ कि मकतब मदरसे की मेहनत भी की जा रही लेकिन अमली ज़िंदगी से दूरी, जो इस्लामी आमाल ज़िंदगी में उतरने चाहिए उससे दूरी है। चुनांचे हज़रत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र सवार हुई और मेहनत की, और ये चलत फिरत जब की उसके नतीजे में पहली जो जमात निकली वो आठ लोगों की तीन या आठ दिन के लिए पहली जमात निकली, पहली जमात तीन या आठ दिन। और फिर उसके बाद आपको मिन जानिबिल्लाह ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ये मैं अपनी जानिब से कोई नई चीज़ तो ईजाद नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं बिदात तो नहीं करने जा रहा हूँ। चुनांचे उसके लिए आपने अपने वक्त के जलीलुल कद्र हज़रात उलमा इकराम मुफ्तियान इज़ाम से राब्ता कायम किया, कुरान करीम का मुताला किया, तफासीर का मुताला किया, अहादीस तैयबा का मुताला किया, बुखारी शरीफ का बार बार मुताला किया। और मौलाना उबैदुल्लाह बलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास बुखारी शरीफ की कई हदीसें ऐसी मौजूद थीं जिनको हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जिन पर वो तो उसूल की बुनियाद कायम की। इस दावत और तबलीग के उसूल ये फुला 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 अहादीस से मुसम्मत है। और दरअसल ये जो काम खुला है, इस काम को जो इल्हाम किया गया है, तो दरअसल देखा जाए तो इसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब तबारक व ताला की जानिब से इल्हाम और नुसरत शामिल हाल है। इसलिए कि आपने जब यहाँ का हाल देखा कि यहाँ तो कुछ मेहनत रंग नहीं ला रही है, दिल उचाट हो चुका था, आप तशरीफ़ ले गए थे साबो सामान के साथ कि मुझे अपनी ज़िंदगी मक्का मुआज़मा और मदीना मुनव्वरा में गुजारनी, इसलिए तशरीफ़ ले गए थे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एहतिकाफ़ किए हुए थे, तीन दिन का एहतिकाफ़ था, और रात में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक होती है और हुज़ूर फरमाते हैं कि इलियास
तुमको तो हिंदुस्तान वापस जाना है और तुमको वहीं पर काम करना है। आप ख्वाब से उठे हैरान परेशान के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुमको वापस जाना है, काम करना है। अब काम कैसे करना है, हालात नामुनासिब हैं। उसके लिए आप मक्का मुआज़मा तशरीफ़ ले गए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह वहाँ मौजूद थे। उनके सामने जब आपने ख्वाब पेश किया तो फरमाया उन्होंने कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आपको हिंदुस्तान जाना है और हिंदुस्तान जाकर काम करना है, जब हुज़ूर कह रहे हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपसे काम लेगा। किस तरह से काम लेगा, अपनी अकल लड़ाना छोड़ दीजिए। जब ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है तो काम उसे कैसे लेना है ये भी वही बतलाएगा। और फिर उसके बाद बराबर बराबर इबादत रियाजत मुराकबे में हजरत लगे रहे और रब तबारक व तआला काम की ये शक्ल और सूरत जो इस वक्त चल रही है आलम में, ये शक्ल और सूरत हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में इल्का फरमाई। ये है काम की असल बुनियाद जो मुख्तसरन मैंने अर्ज की। और इस काम के नताइज, इसके समरात, इस पर हजरत की और हजरत के नक्श कदम पर चलने वालों की कुर्बानियों के नतीजे में जो समरात और नताइज मुरतब हुए हैं उनका खुलासा अगर एक लफ्ज़ में पेश किया जाए तो नाम के मुसलमानों को काम के मुसलमान बनाने की मेहनत ये है। या यूँ कह लीजिए कि मस्जिद को आबाद करने की, जो मस्जिदें वीरान हो रही थीं उन मस्जिदों को वीराने से आबादी में तब्दील करने की मेहनत का नाम दावत और तबलीग है। किस तरह का वीराना छाया हुआ था, एक जगह पर जमात गई, वहाँ पर जाकर वो मस्जिद का पता करते हैं कि मस्जिद कहाँ पर है। जब वो जमात पहुंचती है पता करते करते मालूम करते करते कि मस्जिद फुला गली में है फुला महल्ले में है, वहाँ जब पहुंचते हैं तो अंदर जाकर जब देखते हैं तो पता चलता है कि जिसको मस्जिद कहा जा रहा है उसमें तो कुतिया ने बच्चे दे रखे हैं, कुतिया ने बच्चे दे रखे हैं। ये मस्जिद को वीराने से आबाद करने की मेहनत करने वालों का नाम अस्हाब दावत व तबलीग हुआ। एक जगह की कारगुजारी ये आई है कि वहाँ जब जमात पहुँचती है तो मस्जिद के अंदर भैंस मरी हुई पड़ी। आपने हो सकता है कि बास साथी जो माशाल्लाह पुराने हैं और काम से लगे हुए हैं, इन्होंने नाम सुना होगा मुफ्ती अब्दुल रज्जाक खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के भाई हाजी अब्दुल जब्बार साहब, बड़े माशाल्लाह वो दावत के मिजाज से सरशार शख्सियत है। वो हमारे राजगढ़ ज़िले के अंदर वो बारहा तशरीफ़ लाया करते थे और बड़े मजबूत गोया वो खूंटे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो जब तशरीफ़ लाया करते थे तो उनका मामूल ये हुआ करता था कि लोग चाहने वाले बहुत हुआ करते थे, कोई कहता हज़रत दावत हमारे यहाँ, कोई कहता हज़रत दावत हमारे यहाँ, कोई कहता हज़रत दावत हमारे यहाँ। आप फरमाते कि दावत सबके यहाँ, एक काम करो सब अपना खाना ले लेकर यहाँ पर आ जाए, सबकी इज्तिमाई दावत कबूल फरमाएंगे। तो हज़रत हाजी अब्दुल जब्बार साहब के ज़ुबान से मैंने अपने कानों से जो वाक़या सुना वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे राजगढ़ ज़िले में एक जगह पर मैं फजर की नमाज़ पढ़ा कर बस इस तरह से बैठा हुआ था तालीम वगैरह के बाद में, और हाजी साहब बस तशरीफ़ फरमाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जमात पंजाब में, पंजाब हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने मालूम किया कि मस्जिद कहाँ पर है। लोगों ने बताया कि हाँ वहाँ वो एक जगह है और वो वहाँ पर उसको मस्जिद कहा जाता था। बहरहाल वहाँ पहुँचे, कोई टोपी टोपी वाला दाढ़ी वाला कोई मुसलमान सिफत शख्स नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो दरवाज़े पर पहुँचे तो इतने में एक शख्स आ गया और वो मना कर रहा है कि तुमको अंदर नहीं जाना, तुमको अंदर नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि अंदर तो मेरी भैंसें बंधी हुई हैं।
अंदर तो मेरी भैंसें बंधी हुई, और वो जो शख्स मना करने वाला अगर गैर मुस्लिम होता तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी मेरे भाई, ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो नाम का मुसलमान था, वो कह रहा है कि तुमको अंदर नहीं जाना, अंदर तो मेरी भैंसें बंधी हुई मेरे मवेशी के अंदर। बहुत देर तक उससे बातचीत होती रही, मुजाकरा होता रहा। रब तबारक व तआला का उसूल बड़ा अजीब है कि वह इन तवल्लव यस्तब्दिल क़ौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, अगर तुम रूगर्दानी इख्तियार करोगे, अगर तुम राह खुदाबंदी से हटोगे तो रब तबारक व तआला फिर ऐसों को खड़ा कर देता है कि वो तुम्हारी तरह नहीं हुआ करते हैं, वो होने में गैर होते हैं, लेकिन फिर उनके ज़रिए रब तबारक व तआला काम को आसान कर रहा हो। ऊपर के एक मकान से खिड़की खुली हुई थी, गैर मुस्लिम औरत वो झांक रही थी और पूरी बहस को, पूरे मुबाहसे को, बातचीत को वो सुन रही थी। उसने कहा उस शख्स का नाम लेकर कि भाई इनको अंदर जाने दो ना, कितने अच्छे पवित्र लोग लग रहे हैं, कितने अच्छे नूरानी चेहरे इनके लग रहे हैं, कितने पवित्र लोग लग रहे हैं, इनको अंदर जाने दो। और मकामी इंसान जब कोई बात कहता है तो उसका असर अजनबी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हुआ। उसने जब अच्छी तरह से समझाया, उसको समझ में आया, तो फिर हाजी साहब फरमाते कि हम अंदर गए, अंदर जाकर जो देखा तो अल अमान वल हफीज, वो पूरी पूरी मस्जिद वो मवेशियों के पेशाब से और गोबरों से बिल्कुल वो बदबूदार थी और भरी पड़ी थी। ये मस्जिद का हाल, मस्जिद का। लेकिन बहरहाल दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद खूब जानते हैं कि हमारा काम मस्जिदों को गंदा करने का नहीं हुआ करता है, हमारा काम तो मस्जिदों की सफाई का हुआ करता है। अकायद की सफाई भी हमारा काम है, आमाल की सफाई भी हमारा काम है, और मस्जिदों की सफाई भी हमारा काम हुआ करता है। यही तो वजह है कि जब जमात किसी एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद जा रही होती है तो वो लोग जिन्होंने घर में कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाया होता है, वो मस्जिद में झाड़ू लगाने को अपने लिए बाइस फख्र समझ रहे होते हैं, अपने लिए नजात का जरिया समझ रहे होते हैं। बहरहाल जमात पूरी पूरी अंदर गई और गोबर और पेशाब जो कुछ था, गंदगियाँ थी, उन सब को धोया, साफ किया, और जितनी कुछ खुशबुएँ थी वो सब किस्म मस्जिद में इस्तेमाल की। मस्जिद की बदबू को दबाने के लिए पानी इस्तेमाल किया, खुशबुएँ इस्तेमाल की। जैसे तैसे शाम हो गई, नमाज़ें पढ़ी गईं, जब मस्जिद सूखी, कुछ जो कुछ था बिछाने का वो बिछाया गया, नमाज़ें पढ़ी गई, खाना खाया गया, जो आमाल हुआ करते हैं वो आमाल अंजाम दिए गए, और उसके बाद सोने का वक्त हुआ, साथ ही सो गए। रात में तकरीबन, हाजी साहब फरमाते हैं कि रात में तकरीबन 1-2 बजे का वक्त था और मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़, रात किसी के रोने की आवाज़ है, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई बिलबिला रहा हो, जैसे कोई हिचकियाँ बन गई हो किसी की, इस तरह से रोने की आवाज़ है मेरे कानों में आ रही है। ऐसा फरमाते हैं कि मैं उठा, मैंने देखा कि सब साथी सो रहे हैं, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है। देखा, जायज़ा लिया तो पता चला कि सब के सब साथी सो रहे हैं, सब साथी सो रहे हैं। एक एक के पास जा जाकर, चादर कंबल के पास जा जाकर कान लगा लगा कर सुना कि हो सकता है कोई साथी अंदर ही अंदर कभी रो रहा हो और तबारक व ताला से वो मुनाजात कर रहा हो। लेकिन हर एक के पास जा जाकर मैंने सुना तो किसी के पास से, किसी की चादर, किसी के कंबल, किसी के रज़ाई के अंदर से रोने की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही, आवाज़ फिर भी आ रही। हाजी साहब फरमाते हैं कि मैं परेशान कि किसी साथी के कंबल से रोने की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही। फरमाते हैं कि फिर मैंने इधर उधर सब तरफ का जायज़ा लिया और मैंने मस्जिद की दीवार से कान लगाया, मस्जिद की दीवार से कान लगाया तो मस्जिद की दीवार के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही, मस्जिद की दीवार के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही, हिचकियाँ बंधी हुई है कि अल्लाह के नूरानी बंदो अब तक तुम कहाँ, अब तक तुम कहाँ। ये है दावत और तबलीग का काम करने वालों का खुलासा। इनके अकायद में शिर्क और कुफ्र नहीं हुआ करता, इनके अकायद में बिदात और खुराफात नहीं हुआ करती, इनके अकायद में कोई अपनी जानिब से ईजाद करता चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। गलत हैं वो लोग
जो कह रहे होते हैं कि दावत और तबलीग वो दहशतगर्द है और आतंकवाद है, दरअसल आतंकवाद ने उन पर पंजे जमा दिए होते हैं, दरअसल वो किसी और के गुलाम और सरखारे बन चुके होते हैं, जिसके नतीजे में वो दुश्मनों की जुबानों के अल्फाज बोल रहे होते हैं। यही तो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कलकाबिज़ अलल जम्ह, कि अपने दीन पर, ईमान पर, आमाल पर, सुन्नत पर, शरीयत पर जमने वाला वो ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ने वाला हुआ करता है। अपने हाथ में अंगारा पकड़ना कोई आसान काम नहीं हुआ करता है, ज़्यादा देर इंसान नहीं पकड़ पाता है। मेरे भाइयों, ये वो दौर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जिसमें अपने ईमान पर जमे रहना, जिसमें अपने आमाल पर जमे रहना, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जमे रहना, जिसमें शरीयत पर जमे रहना, जिसमें निगाहों की हिफाजत पर जमे रहना, जिसमें शर्मगाहों की हिफाजत पर जमे रहना, और जिसमें सूदी कारोबार से बचते हुए कारोबार पर जमे रहना, वो ऐसा ही मुश्किल नज़र आ रहा होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना इंतहाई मुश्किल हुआ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें इस काम के करने वालों के साथ जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान से मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, हिंदुस्तान से जमात फिलिस्तीन को गई, वहाँ के जो मुफ्ती साहब थे वो उस जमात के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार होकर, एक्टिव होकर, बिल्कुल वो इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, मुआनका कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बैग ले रहे हैं, इधर से उधर उनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल कर रहे हैं और आँखों में आंसू हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। कुछ देर बाद जब बैठे तो साथियों ने कहा कि इस्तकबाल, सलाम, कलाम, मुसाफा सब समझ में आता है, लेकिन आपके रोने की वजह समझ में नहीं आ रही है, आप इतना ज़ारो क़तार रो क्यों रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि दरअसल बात यह है कि तीन दिन पहले अभी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा और मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा करने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, आपने मेरे हाथ को झिड़क दिया और फरमाया कि ज़रा दूर को हटो, मेरे मेहमान आ रहे। फिर फरमाया जमात के जो साथी थे, कब मैंने हुज़ूर से मुसाफा करते, इनको भी देखा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बशारतें जिस जमात पर है, जो आतंकवाद से, दहशतगर्द से, जो कोसों दूर है, जो 6 नंबर से आगे कहीं जाती नहीं है, जो ये सिखलाती है कि ईमान की मेहनत कैसे करनी, जो ये सिखलाती है कि अपनी ज़िंदगी को सिफते सलात पर लाना कैसे है, जो ये सिखलाती है कि हलाल और हराम की तमीज़ का इल्म हासिल करना है और उस पर जमना है, जो ये सिखलाती है कि अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगानी है और ज़िक्र के हलके कायम करने हैं, जो ये सिखलाती है कि बड़ों का इकराम करना है, छोटों पर शफ़क़त करना है, उलमाए दीन की क़दर करना है, जो ये सिखलाती है कि रियाकारी से अपने आप को बचाओ कि रियाकारी शिर्क असगर है और इखलास पैदा करो, जो ये सिखलाती है कि अपने औकात को अल्लाह के लिए, अपने औकात को अल्लाह के लिए फारिग करने वाले बन जाओ, ये सिखलाने वाली जमात, ये जमात दावत और तबलीग हुआ करती है और ये इसका मुख्तसर सा तआरुफ है और ये इसकी कुर्बानियाँ हैं और ये इसके समरात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़्ल फरमाए और हालात को साजगार फरमाए और जिनकी समझों पर, जिनकी अक्लों पर पर्दे पड़ रहे हैं, जो शैतानी वसाविस और ख्वाहिशात नफ्सानियत के शिकार हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों की अक्लों का और दिलों का इलाज फरमाए। मेरे भाइयों, ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम पर जो उंगली उठाता है उंगली उसकी टूटना है, और जो अल्लाह के काम के आड़े आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी हवा के झोंकों से उसको उठाकर फेंकता है कि पता भी नहीं चलेगा कि किधर गया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही माना में दावत और तबलीग को समझने की और सही माना में इस मेहनत को करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा।